आदमी कमात आदमी कमाई बस में नहीं हुआ है, हम महिला कमाबो तबियत घर चलाबो, कहाँ से चलाबो, कहाँ से पैसा आई है। गोठान बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, गोठान ला चालू करा सरकार, अभी नया बने तेन है, जो अच्छे गोठान चल रहे हैं, जहाँ अच्छी अच्छा काम हो रहा है वहाँ उनको चालू रखना चाहिए। तब बंद नहीं होना चाहिए काम, हमन कहाँ जाबो, का काम करबो, हमन यही सीखे तमन यही कमाबो, चार साल से ये काम चलत ना, मन बहुत खुश है। 200 रुपया रोजी मिलते दीदी हमारे गोठान में काम करता था। बंद होने के कगार पर है तो क्या बोलो, बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं चाहिए बिल्कुल बंद। अगर ये योजना बंद होती है तो उसका कितना नुकसान? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मशीनों मतलब लाखों में लगा है मशीन, पेंट का है, दिया गमला मूर्ति सबका। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नई सरकार की। 3 दिसंबर को नतीजे आए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही आम जनता के जीवन में इसका कैसा असर पड़ा, ये आज हम बात करेंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी तो उसके दूसरे दिन से ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चला, जिससे जो लोग गरीब लोग हैं उनके जीवन में इसका काफ़ी असर देखने को मिला। तो वहीं आज हम जरवाए गौठान पहुँचे हैं, जहाँ पर हमको ऐसी खबर मिली थी कि यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार की योजना थी गोबर खरीदी योजना, ये लगभग बंद होने की कगार पर है। कुछ दिनों से गोबर की खरीदी बहुत ही कम हो गई है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तो ये योजना बंद होने की कगार पर है। हालांकि कल जब बैठक हुई है तो उसमें ये बोला गया है कि इसकी पहले समीक्षा की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि योजना चालू रहेगी या नहीं। तो आज हम जरवाए गौठान पहुँचे हैं, जहाँ पर हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो कितने सालों से यहाँ काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं और उनका रोजी रोटी इसी से चल रहा है। तो अगर ये योजना बंद होती है तो उनके जीवन में इसका किस तरह का असर। हमन बेरोजगार हो जबो ना, हमन मन के यहाँ रोजी पानी मिलते, 200 रोजी देते हमन ला, और रोज हमन यहाँ 9 बजे से आके 5 बजे तक रह रही थन, खाना वाना धर के आता नहीं है, हमन काम करथन तो हमन फर्क पड़बेच कर ही, गरीब आदमी हैं हमन कमाबो नहीं तो कला खाबो, कोई ढान तो बाहर जानी हमन काम में ये खुले तब से ही हमन काम करथन। तो जो आप लोगों का घर द्वार चलता है वो इसी के पैसे से ही चलता है? हाँ, इसी के पैसे से चलते, 200 देते ना हमारा रोज के। हाँ, और आपके बच्चे लोग जो है, बच्चे लोग भी होंगे? हाँ, बच्चा मतलब पढ़ा था, लिखा था, काम करा था। हाँ, काम करा था तो बच्चा मतलब पढ़ा था, हम वो मन हाँ पेट रोजी हम मन के साग पान लेवा था, चावल दाल लेवा था, हिच में चला थे, गरीब आदमी हैं कमापो नहीं खाबो काला हमन। हाँ, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि योजना चलते रहे? हाँ, चलते रहे, मत बंद हो ये है, काबर हमारा लेडीज मतलब हमारा काम मिले ही यहाँ तो काबर बंद करी, वो नहीं चलते रही है तो ठीक है। कितने साल हो गए आप लोग यहाँ काम करते? हमारा यहाँ चार साल हो गया। 4 साल से आप यही काम कर रहे हो और अपना रोजी रोटी इसी से निकाल? हाँ, इसी से निकाला था, रोजी रोटी निकाला था, बच्चा मतलब पढ़ा था, हमार जो भी हमार समस्या है वो एकरे से निकला थे, कापर हमला तो रोज काम मिला थी। हाँ, एक दिन हमार घर में नहीं रहन तो हमार मन के काम है यही चले हुआ थे चालू, मतलब हमारा रोजी पानी मिला तो हमन सब काम हमारे घर में जो परेशानी हो एकरे से खत्म हुआ थे, और ये काम बंद हो जाए तो हमन कहाँ जाबो हमन कुछ नहीं कर पान हमन। हाँ, और बाहर तो नहीं जा सकन हमन काम में महिला मन। हाँ, हमारे गाँव काम खुले, हमारे गाँव हमन सुबह से शाम तक ही हम अस्ताक कमात हन, कुछ भी जरूरत होगी घर में ते घर के मना के गाँव घर में हावे कि अपन आग बला लेते तीर में हन, तो हमन कुछ काम हो गया मतलब घर में तब वो हमन जाग देख के अपन आ सकते हैं, लोग ले कल दूरिया जाबो तो कहाँ से आबो हमन। हाँ, तो ये काम बंद नहीं होना चाहिए। ठीक
दीदी, ये योजना लगभग बंद होने की कगार पर है, जब से बीजेपी सरकार आई है ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे गोबर की खरीदी बहुत कम हो गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ काम करती हैं, ये योजना बंद होनी चाहिए या नहीं? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। मैं 40-45 महिला काम करथन, ये काम चलना चाहिए और सब रोजी मिलना चाहिए, ये काम बंद नहीं होना चाहिए। आप लोगों का घर द्वार है जो इसी से चलता है? हाँ, लोग लड़का पढ़ा थे घर में, आदमी कमात आदमी कमाई बस में नहीं हुआ है, हम महिला कमाबो तभी घर चलाबो, कहाँ से चलाबो, कहाँ से पैसा ही है। यहाँ सब चीज सब रोज रोज आए दिन सब्जी के रेट है और कहीं के रेट है, सिलेंडर दे सिलेंडर के रेट है, तो कैसे करबो? गरीब आदमी है, कहाँ से लाबो पैसा? ओला बंद नहीं होना चाहिए, ऐला चलना चाहिए। कितने साल हो गए लगभग आप लोगों को? हम अल्लाह यहाँ काम करा तीन चार साल हो गए। हाँ, तब से आप लोग यही काम? हाँ, यही काम करत हन भाई, ये काम ला सीखे हन और दूसरा काम ला नहीं सीखे हन। हम समझत हन कि हमन दूसरा काम कर भी सकथन, तो ओमा समय लगी, सीखत लगी, तो कैसे करबो? जे काम सीखे हन, जे काम करे हन, वही काम हमला चाहिए, एला बंद नहीं करना चाहिए, ये काम एला चालू रखना चलना चाहिए, काम ला बंद नहीं होना चाहिए। नहीं बंद होना चाहिए, नहीं बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, चला थे चलना चाहिए, गोबर खरीदी भी होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। गोबर खरीदी इस समय बहुत कम हो गई है, ना के बराबर। हाँ, क्या कहेंगी? बढ़ाना चाहिए, तबे तो जनता दी ही पैसा, हुआ काम करवाही दे है, और पैसा चलौती नहीं दी, लाभांश नहीं आई तो काला दी। गोबर खरीदी होना चाहिए। कितने साल हो गए आपको काम करते? 4 साल हो जाते। आपका भी यही घर? हाँ, रोटी जो है? हाँ, यही काम। हाँ, सब यही करते हैं सब। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी? बंद नहीं होना? बंद नहीं होना चाहिए, काम चालू रहना चाहिए। गोठान बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, गोठान ला चालू करा है सरकार, अभी नया बने तेन है, हमर मन के रोजी रोटी चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार, उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो गोबर खरीदी वाला ये जो योजना है जो कांग्रेस लेके आई थी, ये बंद होने की कगार पर है। तो पहले तो हम इस गौठान के बारे में जान लेते हैं कि कितने साल हो गए लगभग इस गौठान को बने हुए? लगभग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हाँ, हो गए। और जैसे मैं देख रही हूँ कितनी महिलाएँ लगभग यहाँ पर काम करती हैं, और क्या क्या काम यहाँ पर होता है? यहाँ 35-40 महिलाएं हैं काम कर रही है, और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट सीजन में बनाते हैं, जैसे कि होली के समय में गुलाल बना लेते हैं, दिवाली के समय में दिया मूर्ति गमला गोकास्ट कंडा, वो सब सीजन के हिसाब से बना लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, तो ये सुनने में आ रहा है कि ये जो योजना है ये बंद होने वाली है, तो क्या अभी योजना इस जो गोबर खरीदी है ये गोबर खरीदी चालू है या फिर बंद है? पूरे तरीके से तो बंद नहीं है, अभी 150 खरीद ही रहे हैं अभी। 150 खरीद? हाँ, मगर अभी वही है ये जो लगभग जो यहाँ पे आपने बताया कि 30-40 महिलाएं काम कर रही हैं, अगर ये योजना बंद होती तो इनके जीवन में कितना असर पड़ने वाला है, इनकी रोजी रोटी पे कितना असर पड़ेगा, और लगभग अभी इनकी कितनी तनख्वाह है? 35-40 महिलाएं हैं लगभग, इन लोग का 6-7 हज़ार है मंथली में, तो वही है फिर से बेरोजगार हो जाएंगे तो इनके रोजी रोटी में असर पड़ेगा। हाँ, तो 30-40 महिलाएं जो है ये लोकल यहीं की हैं? यहीं से है, गांव से ही है, और पर डे का 200 मिलते हैं इन लोग को, पर डे का 200। और कितने बजे से कितने बजे तक ये लोग काम करती हैं? 9 से 5 बजे तक है, सुबह नौ से शाम 5 बजे तक। मतलब अपना खाना पीना सारा कुछ यहीं लेके आती हैं, खाती पीती हैं और काम करती हैं। हाँ, यहीं पे। तो मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है ये योजना बंद होने वाली है क्या? जैसे कि आपने बताया कि बहुत कम खरीदी हो रही है, 50-100 ही खरीदी हो रही है, तो इस मुताबिक आपको क्या लगता है योजना बंद होने के कगार पर है क्या? वैसे बंद तो नहीं होना चाहिए, योजना अच्छी है, बंद होगा तो यहाँ जो समूह की गरीब महिलाएं काम करी है वो लोग बेरोजगार फिर से हो जाएंगे। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि खरीदी बहुत कम हो गई है, तो आप लोगों को लिखित में कोई शिकायत वगैरह मिली है या लिखित में कुछ दिया गया है कि ये योजना बंद होने वाली है या नहीं? नहीं, लिखित में अभी तक नहीं मिला है कभी। हाँ जी, और यहाँ पे हम मशीनों की भी बात कर लें, काफ़ी बहुत सारी मशीनें यहाँ पे लगी हैं, काफ़ी महंगे महंगे प्राइस में हैं, अगर ये योजना बंद होती है तो उसका कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मशीनों मतलब लाखों में लगा है मशीन, पेंट का है, दिया गमला मूर्ति सब का है, तो वही है नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा मशीन का। तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? मतलब क्योंकि कल भी जो बैठक हुई है उसमें ये आदेश आया है कि अभी समीक्षा की जाएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? मैं छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करती हूँ कि गांव की जो महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ की समूह की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उन लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो योजना तो बहुत अच्छी है, ये समीक्षा के बाद
अपने हिसाब से हम लोग आदेश कर दे तो हम लोग चलाने के लिए वो है तैयार है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक काम कर रही हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनसे ही डायरेक्ट जानते हैं कि अगर ये योजना बंद होती है तो इसका सीधा असर इन पे कैसे पड़ेगा, इनकी रोजी रोटी पे कैसे पड़ने वाला है। तो आइए कुछ महिलाएं से बात करते हैं। एक काम बंद होना नहीं का बार एक काम हाँ बंद हो ही तो हम का काम करबो, हम मतलब दूसरा काम आए नहीं करेला, हमला यही काम सीखे हैं तो यही काम ला करबो। 40-45 महिला कहाँ जाबो काम करे बार, आदमी मन तो अपन जानथस नहीं, आजकल पिया थे खा थे अपन मस्त है और हमन महिला मन घर चला थन ते मन कैसे करबो। ये काम बंद नहीं होना चाहिए, ये काम ला चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ाना चाहिए सरकार ला। अच्छा रोजगार मिला थे तो जलवाई गौठान चलना ही चाहिए। कितना रोजगार मिलता है ढेली का? 200 रुपया रोजी मिलते दीदी हमारे गोठान में काम करता था। कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हो आप लोग? 9 से 5। 9 से 5। हाँ 9 से 5 करते हैं। हमन हाँ यहाँ खाद बना थन, पंजा लगा थन, गोबर डाल थन, पेंट बनावा थन, सब काम चलाती यहाँ और रोज के हमारा रोजगार देवत रोज के 200। तब बंद नहीं होना चाहिए काम, हमन कहाँ जाबो का काम करबो, हमन है यही सीखे तो हमन यही कमाबो। 4 साल से ये काम चलत ना हमन बहुत खुश सन, रोज की हमन लग घर जैसे लगते ना मन हाँ बस घर ले अपन आ गए हैं यहाँ कमात हन खात हन, हमला अच्छा लगत ये काम है, एक बिल्कुल चलना नहीं चाहिए और ये बढ़ा इला वो आगे बढ़ा इला, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए। दीदी हमन घर के गृहिणी रहे हैं, घर में अपन काम बूता करन और घरे में रहन, अब सरकार है योजना निकाली से काम दी से, काम दे के हमला 200 रुपया रोजी करके यहाँ काम करे दी से, अब बंद कर ही तब बंद कर दी तो हमारे मन के आसरा कैसे ली, आसरा करके यहाँ काम में आवा थे पर तो वो रोजी रोटी चल ही चलाना चाहिए, काम आगे बढ़ाना चाहिए। कितने साल से लगभग आप लोग काम कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से तो लगभग बंद होने के कागार पर है, तो क्या बोल रहे हो, बंद नहीं होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद। आप लोगों का रोजी रोटी किससे? इसी से चल रहा है। ये मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रामेश्वर लाल शर्मा बोल रहा हूँ। ये जो जरवाय गोठान में प्राकृतिक पेंट मशीन है, इसमें ये जो मशीन में हमारी भागीदारी है, यहाँ पे ट्रिपल वेंचर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नगर निगम महिला समूह और हमारी संस्था लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स तीनों मिलाकर के इसको चला रहे हैं। ये खादी इंडिया भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसमें खादी इंडिया को हर महीने रॉयल्टी जाती है। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी है और उन्होंने हमारे पेंट को भी बहुत सराहा है। यहाँ से हमारे रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी द्वारा पार्लियामेंट में 50 सांसदों के मंत्रियों के यहाँ पे हमारा पेंट गया है और सभी ने इसको सराहा है और भारत सरकार नितिन गडकरी द्वारा हमें अवार्ड भी मिला है, सबसे अच्छे पेंट की क्वालिटी का अवार्ड भी मिला है। लगभग कितनी बिक्री हुई अब तक पेंट की आपकी? ये हमारी पेंट की बिक्री अभी तक तो बहुत कम हुई है, कांग्रेस गवर्नमेंट में अभी दो साल में हमारी बिक्री हो गई 34-35 लाख रुपए। और जब बीजेपी सरकार आई है तो उनसे क्या चाहते हैं आप? कितनी बीजेपी सरकार का तो ये प्रोजेक्ट है, खादी इंडिया का तो ये प्रोजेक्ट है, इनको तो पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। कांग्रेस सरकार में तो फिर भी सरकार के कहने के बावजूद भी कई डिपार्टमेंट में ये चल नहीं रहा था, अब तो पूर्ण रूप से चलना चाहिए। यहाँ ये झरवाय गोठान ये सेंटर ऐसा सेंटर है जहाँ पर पूरे इंडिया के दिल्ली से जो भी अधिकारी आते हैं यहाँ विजिट करते हैं, यूपी से उत्तर प्रदेश से जो भी आईएएस अधिकारी आते हैं यहाँ विजिट करने आते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से यहाँ विजिट करने आते हैं, भुवनेश्वर से यहाँ विजिट करने आते हैं और यहाँ हमें इनवाइट भी करते हैं कि हमारे यहाँ भी इसको ये योजना हम अनिवार्य कर रहे हैं। वहाँ जिले स्तर पर हो रही है, यूपी में हर जिले में अभी परसों कलेक्टर मेरिट कलेक्टर का फ़ोन आया था, वो भी यहाँ पर विजिट करना चाह रहे हैं और वो यहाँ पे इस योजना को लागू करना चाह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो बीजेपी सरकार की योजना है, ये भारत सरकार की योजना है, अब पूर्ण रूप से अभी चलेगी है। बीजेपी की जब से सरकार आई है तब से ये सुनने में भी आ रहा है कि ये जो गोबर खरीदी योजना है ये लगभग बंद होने की कगार पर है, क्या कहेंगे आप सरकार से? नहीं, इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए, जहाँ पे अगर घपला हुआ है, जहाँ पे कुछ हुआ है तो उसकी जांच हो करके इसको इस निर्णय पे पहुँचना चाहिए कि जो अच्छे गोठान चल रहे हैं जहाँ
महिलाओं से बात की। करीब यहाँ से 30 से 35 महिलाएं काम कर रही हैं और इनका दिन भर का रोजी रोटी यहीं से चल रहा है। सुबह से ये आती हैं, 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे काम करती हैं और इनका घर द्वार, इनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सारा कुछ इनका इसी से चल रहा है। तो इनकी सरकार से बस यही मांग है कि ये योजना बंद नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी योजना है, 4 साल से ये योजना।